इंडियन बिगेस्ट मोशन पिक्चर RRR मूवी का ये अमेजिंग सीन तो आप लोग जरूर देखा होगा, जहाँ पे भीम आई मीन जूनियर एंटायर वाइल्ड एनिमल्स के साथ ब्रिटिश पैलेस पर अटैक किए थे। तो यहाँ पे दिखाई गई सभी एनिमल्स रियल नहीं थे, सभी एनिमल्स को CG एंड VFX के थ्रू क्रिएट किया गया था। तो ये सीन को कैसे शूट की गई आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई गई पैलेस, स्ट्रीट लाइट, ट्रक एंड पिंजरे में एनिमल्स भी CG द्वारा क्रिएट किया गया है। ये सीन पिंजरे से सभी एनिमल्स को निकल के आने में टाइम पर शूट हुआ था। तो शूटिंग के टाइम पर जूनियर एंटायर को रस्सी से बांधकर ये जंपिंग वाला सीन शूट किया गया था, लेकिन यहाँ पे सभी एनिमल्स CGI के थ्रू क्रिएट किया गया है। इवन भीम के हाथों में ये फायर स्टिक भी VFX की थी, जो शूटिंग की टाइम पर ऐसी इलेक्ट्रिक बाल एक डांडी के ऊपर बांध के ये शूटिंग की गई। ट्रक से जंप देने के बाद जमीन पर शूटिंग ऐसे किया गया है। यह पे कारपेट के अंदर फोम की सीट रख कर शूटिंग की गई, जो बाद में एडिटिंग की हेल्प से हटाया गया था। एंड CG पिंजरे और एनिमल्स द्वारा सीन को दिखाया गया है। सभी एनिमल्स पिंजरे से निकल के आने के बाद पहले भीम को अटैक किए थे, जिसकी शूटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके CG पैलेस एंड भीम के अराउंड में CG एनिमल्स क्रिएट किया गया है। बाद में सभी एनिमल्स घोड़े में बैठे सिपाही को अटैक किए थे, बट यहाँ पे CG एनिमल्स अलावा घोड़े और सिपाही भी CG के थ्रू क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट सीन में एक ब्रिटिश ऑफिसर की हाथों में हिरोनो की सिंग घुसते हुए देख सकते हैं, और इसकी शूटिंग एक्चुअल में एक ब्लू ड्रेस पहने हुए व्यक्ति के साथ किया गया था, जो बाद में CG हिरोनो के द्वारा रिप्लेस किया गया है। इस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रियल आग लगाई गई थी एंड यहाँ पे एनिमल्स और पैलेस को बाद में CG द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। रामचरण आई मीन राम की एंट्री में ये घोड़े भी CG के थ्रू क्रिएट किया गया था, लेकिन यहाँ पे सभी घोड़े CG की नहीं थे। शूटिंग के टाइम पर रियल घोड़े यूज किया गया था और बाद में रियल घोड़े की साइड में ये CG घोड़े भी क्रिएट किया गया है।